तो ये वीडियो मैं बनाना चाहती नहीं थी, लेकिन मैं बना रही हूँ। वाई? बिकॉज मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं, इंस्टाग्राम पे DM आए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब लिटरली वो 320, 450, 500, 550 ही स्कोर करना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रखे हैं। मतलब इतने ज़्यादा टेंस कि मैं एक एक को रिप्लाई करते करते थक गई। एंड देन आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक दिस वीडियो। हालांकि लास्ट वीडियो मैंने आपको बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको एक पूरा चैलेंज दिया था 20 डेज़ का, कि 4 मई तक ये चैलेंज चलेगा। एंड वो चैलेंज चल रहा है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आपने वो चैलेंज नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखना, क्योंकि वो चैलेंज के हिसाब से हमारे 7 से 8 दिन में हाई वेटेज वाले चैप्टर्स तो एटलीस्ट कवर मैंने करवा दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, अलॉन्ग विद दी पेपर प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पर करवाए हैं। तो इट इज़ लाइक वो चैलेंज तो चल रहा है, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उन्होंने वीडियो बहुत ज़्यादा लेट देखी है, और वो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमें बस इतने से मार्क्स चाहिए, दीदी हमें कुछ बता दो कि हमें क्या करना चाहिए, लास्ट के 10 दिन में कौन से रिसोर्स से पढ़ाई करनी चाहिए। देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैं तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना चाहती हूँ, और तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ये कर लो तुम। ठीक है, अब पहली बात तो 10 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन में ऐसा कोई जादू भी नहीं हो सकता कि तुम 300 ला रहे हो तो 600 लाने लग जाओगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्कोर हम बूस्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा काम खुद को रखें, दिमाग को शांत ठंडा रखें, और अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ लास्ट के 10 दिन में करना क्या है। हालांकि मैं यहाँ कोई चैलेंज नहीं चलाने वाली हूँ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चैलेंज चला भी दूंगी तो क्या सेंस बनेगा, है ना? 10 दिन में ऐसा ऐसा कुछ तोप नहीं कर लोगे तुम। बस जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस वो बता रही हूँ, बस वो कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो होप नहीं तोड़नी किसी भी चीज़ की कि भाई मुझसे होगा नहीं, ये नहीं होगा। बहुत सारे थॉट्स मुझे पता दिमाग में चल रहे हैं, इसके लिए मैंने एक लाइव सेशन भी तुम्हारे लिए किया है अरेंज, जो कि कल हम करेंगे शाम को 7 बजे, जहाँ पर मैं तुमसे बात करूँगी क्या डिप्रेशन तुम्हें आ रहा है, सेल्फ डाउट्स। मुझे पता है यार, मैं आई हैव बीन थ्रू डन दैट एवरीथिंग, आई नो कि क्या उस जर्नी के अंदर कैसी कैसी चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो डोंट वरी फॉर दैट, विल कनेक्ट एंड विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, तो तुम्हारी जो क्वेरीज होती है ना, मुझे आके उस सेशन में बोलना, उस सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बस वहाँ जाके रिमाइंडर सेट कर लेना और शाम को 7 बजे कल आ जाना। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल करना क्या चाहिए। देखो, प्रैक्टिकली फिजिक्स के लिए अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ही मुझे पता है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। फिजिक्स में तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, किसी के भी नोट्स वोट्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो तुमने पूरे साल भर पढ़ा ना, बस वो पढ़ते जाओ। हाई वेटेज चैप्टर मैं बार बार कहती हूँ बस वो ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि देखो ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने कोई चैप्टर पूरे साल में एक बार पढ़ा है या फिर पढ़ा ही नहीं है, तो तुम अब पढ़ के उसमें कुछ मास्टरी हासिल कर लोगे और सारे MCQs बना के आ जाओगे, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो वाले चैप्टर्स उठाओ जो ईजी भी लगते हैं, तुम्हें आते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया रे ऑप्टिक्स बहुत हाई वेटेड चैप्टर है तो चलो तुम कर लो, चाहे वो तुम्हें कुछ ना आता हो, रे ऑप्टिक्स में आर भी ना आता हो, तो वो कोई सेंस की बात नहीं है। जो तुम्हें आते हैं और वो तुम्हें इजी भी लगते हैं और वो स्कोरिंग चैप्टर्स भी हैं, स्कोरिंग भी है, मतलब हाई वेटेज भी है, तो प्लीज उन वाले चैप्टर्स को पहले पिक करो, और उनके जितने भी फॉर्मुलाज हैं, आई होप तुमने फॉर्मुला शीट बना रखी होगी हर चैप्टर की। फॉर्मूला शीट्स अगर तुमने बना रखी है बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो उसमें तुमने फॉर्मूलाज को डब्बों में बंद कर करके रखा होगा। तुम एक बार अपने नोट्स को गो थ्रू करो, सिर्फ फॉर्मूलाज को पढ़ो, या फॉर्मूला शीट है तो फॉर्मूला शीट से सिर्फ फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करके सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करो। देखो, लास्ट के 10 दिन में मुझसे काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे हैं और क्या हमारा कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो यार, मैं कौन होती हूँ तुम्हें बताने वाली कि तुम्हारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऑल केपेबिलिटीज़ यू हैव, राइट? तुमको पता है कि मेरे अंदर क्या केपेबिलिटीज़ है, तो कोई नहीं बता सकता ये। लेकिन हाँ, मैं ये तुम्हें ये ज़रूर कह सकती हूँ, थोड़ा रियलिटी चेक, मतलब एज अ सीनियर मैंने ये चीज़ ये जर्नी जी है, देखा है मैंने सब कुछ, और सारे इतने सारे बच्चों को गाइड भी किया है, पढ़ाया भी है, तो आई नो दैट जो लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, वहाँ पर तुम मॉक टेस्ट लगाते हो, तुम्हारे नंबर कम आते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और सच बताऊँ तो ये एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस का गेम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ, मैं तुम्हें कहूँगी यार, मॉक टेस्ट अगर तुम्हें लगाना है तुम्हारी अंदर की सेटिस्फेक्शन के लिए, तो सिर्फ एक लगाना लास्ट के 10 दिन में, वो भी फुल सिलेबस का एक ही मॉक टेस्ट लगाना, और वो भी अगर हो सके तो एक कोई प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में लगाना, प्रिंट निकलवा के उसका OMR शीट का भी प्रिंट निकलवा के लेना साथ में, और प्रैक्टिस करना उसको, है ना, टाइमर लगा के। तो वैसे तुम कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि भाई तुमने बस मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, अब तो हर दिन एक एक मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बन जाए और नंबर कम आ रहे, तो डीमोटिवेट हो रहे हो गए डीमोटिवेट, क्योंकि इंसान है भाई, होता है, दर्द होता है, हम मेहनत कर रहे हैं नहीं आ रहे नंबर तो दर्द होता है। ठीक है, फिर वो मोटिवेशन डाउन जाएगा ना, तो वो एग्जाम हॉल में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा डेफिनेटली। तो वो काम मत करना लास्ट के 10 दिन में, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाना, या तो मत लगाना चाहे
से, लेकिन बस प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लेना, ठीक है। फिर इसमें तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला शीट से और प्रैक्टिस करनी है इजी एंड स्कोरिंग की। केमिस्ट्री के अंदर देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन फिजिक्स वाला ही काम करना है, जो भी फिजिक्स में कर रहे हो फॉर्मूलाज रिवाइज करो, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। और बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन कैसे रहते हैं उनमें गड़बड़ मत करके आना, वरना नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने नोट से पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, किसी और के नोट से तुमने, देखो तुमने साल भर जिस भी सोर्स से पढ़ रखा ना उसी रिसोर्स से तुम्हें आज भी पढ़ना है, नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश मत करना। हो सकता है यार कि तुमने पूरे साल भर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो, और तुम अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पर तुम उसे स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी मत पढ़ो, नोट्स पढ़ लो, जिससे भी पढ़ा बस पढ़ लो, बस वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पढ़े जा रहे हो। और अगर हाँ एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो बहुत ही अच्छी बात, बस एनसीईआरटी को रिवाइज करते जाओ, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम अपने रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, उनके मैकेनिज्म जितनी भी होती है, बस उनको गो थ्रू करते जाओ, बार बार गो थ्रू करते जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाओ, दैट्स इट। बायो के लिए तो तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत ही क्या है। बायो के अंदर तो सिर्फ जितनी बार हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ो, जितनी बार हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ो, जितनी बार एक चैप्टर को पढ़ोगे उतनी ही नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी कम हो जाएगी। बस इतना ही तुम्हें एक प्रैक्टिकल प्लान फॉलो करना है, इसी हिसाब से तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर तीनों ही सब्जेक्ट में पहले उठाने हैं, फिर लो वेटेड चैप्टर्स की तरफ अपन मूव करेंगे। तो प्लीज़ 10 दिन के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर को भी हाथ नहीं लगाना है, चाहे वो कितने भी नंबर देकर जा रहा हो। तुमने साल भर नहीं पढ़ा है तो चाहे वो 20 नंबर देकर जा रहा हो, 10 नंबर देकर जा रहा हो, उसको हाथ नहीं लगाना है, वरना तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग 100 में से 200% होगी, क्योंकि उस चैप्टर को तुम एक बार पढ़ सकते हो पर तुम उस चैप्टर को 5 से 7 बार नहीं पढ़ सकते हो इन आने वाले 10 दिन के अंदर, राइट। क्योंकि तुम्हें और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जब तक तुम एक चैप्टर को 5 से 7 बार नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कम नहीं होगी और नेगेटिव मार्किंग होकर रहेगी, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि उसको छुओ ही मत, जो पढ़ा है बस उसको पढ़ते जाओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशन और खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस यार बार बार रिविजन करके आएगा, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा उतना तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक फोमो वाली फीलिंग आ रही कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, यार क्या हो जाएगा, तुम बताओ मुझे, आज मुझे बताओ तो सही तुम मुझे कि क्या हो जाएगा। क्या हमारा कोई घर उजड़ रहा है, क्या हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह हमसे छीनी जा रही है, क्या हमें खाने को दाने नहीं मिल रहे हैं, क्या हमारे घर सर पे से छत उड़ गई है, कुछ ऐसा बहुत अजीब हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत बेकार हो रहा है, जहाँ पर तुम एकदम तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई अब तो तुम ओवरकम ही नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एग्ज़ाम है, इसको एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करेंगे, एग्ज़ाम लिख कर आएंगे, बस हाँ एक शर्त है, उसमें अपना 100% डालेंगे। जब तक 100% और खुद का बेस्ट नहीं डालोगे ना, वो साथ नहीं देगा यार, और उसके साथ के लिए तुम्हें 100 में से 200% अपना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम हॉल से जिस दिन बाहर निकलो पेपर देकर, तब लगे कि यार ये चीज़ मैंने करनी मिस कर दी, यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा रह गई या रह गया, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, ये रिग्रेट अंदर नहीं होना चाहिए। तुमको अपना 200% लगाना है, बस इतनी सी डिमांड है मेरी तुमसे, अपने आप का साथ मत छोड़ना। लास्ट के 10 दिन में तुम्हें किसी के भी साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा तुम्हें इम्पॉर्टेंट है खुद का साथ। तुम अगर खुद का साथ देने के लिए रेडी हो ना, दुनिया पूरी साथ में खड़ी है तुम्हारे। जिस दिन तुमने खुद का साथ छोड़ दिया उस दिन लड़ाई हार जाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़कर, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एज अ सीनियर आई एम टेलिंग यू, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से रात दिन डील करती हूँ और आते हैं, मैंने खुद ने भी झेले हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, ताने भी सुनोगे 4-5 हज़ार, पता नहीं कितने कितने, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू डोंट एवर थिंक लाइक कि तुम लूज़र हो या तुमसे कुछ हो नहीं सकता या ये एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमको पता नहीं है लाइफ कितनी प्यारी है, कितनी ज़्यादा प्यारी है, यू नेवर नो। तुम आज कोई चीज़ कर रहे हो, देखो 25 लाख की भीड़ आएगी एग्ज़ाम देने के लिए, 1 लाख सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि सबका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल हम ट्राई क्यों ना करें, हम ट्राई तो करेंगे ना, हम हमारा पूरा बेस्ट लगा देंगे यार। अब जितना हो सकता है वो भगवान के हाथ में छोड़ देंगे, हम हमारा बेस्ट नहीं लगाएंगे ना तो भगवान भी हमें कुछ नहीं देगा, ना तो वो मेडिकल सीट देगा, ना वो तुम्हारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो तुम्हें कोई अच्छी जगह लाइफ में पहुंचाएगा, कहीं कुछ नहीं देगा। बस तुमको करना है कि यार तुमने अपनी एड़ी चोड़ी का पूरा दम लगा दिया, तुमने एक चीज़ को शिद्दत से चाहा और शिद्दत से जो था अपने अंदर मेहनत पूरी लगा दी,
मेहनत करना सीख गए, एक अच्छे इंसान बनना सीख गए, तुम्हें पता है कि मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, ये सब कुछ झेलना सीख गए इतनी छोटी उम्र में, एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर तुम एक मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी बनकर निकलोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनकर निकलोगे, क्योंकि ये जर्नी एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने में ही हेल्प करती है। ये तुमको एक बेटर इंसान ऑलरेडी बना चुकी है, तुम ऑलरेडी एक मेहनती बच्चे बन चुके हो। विश्वास नहीं होता, खुद को एक साल पहले से कंपेयर करके देखो, क्या तुमने कभी इतनी मेहनत लगाई है किसी एग्ज़ाम के पीछे? तुम में से बहुतों ने नहीं लगाई होगी, और तुम में से बहुतों ने लगाई भी होगी, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी इतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करी होगी, और आज उनको अहमियत पता चल रही है कि हाँ, एक हार्डवर्क नाम की एक चीज़ होती है, उसके बिना हमें ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। ये सीख बहुत बड़ी सीख है, तो इन सीख को, लर्निंग्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, तुम्हें कभी भी अगर डीमोटिवेशन आए, तुम्हें लगे कि नेगेटिव फीलिंग्स आए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे याद कर लेना, मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बट मुझे रिग्रेट नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि मैंने अपना 100% लगाया था, मेरा एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग बन के निकल गया जिसने मुझे आज एक सोर्स ऑफ इनकम दिया। मैं आज अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रही हूँ। तो थिंक अबाउट दैट, तुमको भी नहीं पता कि वो लाइफ कैसे तुम्हें कहाँ ले जाएगी, यू नेवर नो। बट अगर मैंने उस दिन छोड़ दी होती मेहनत करना, कि मुझे लग रहा था कि यार मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो चलो मेहनत ही नहीं करते हैं, अगर मैंने कर दिया होता ना वो, तो आज जो भी हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ वो भी नहीं कर पाती, क्योंकि भगवान तो देख रहा है ना, मैंने मेहनत करी थी, भगवान तो देख रहा है, भगवान तो देगा मुझे। अब वो ऐसे नहीं तो कैसे भी किसी भी वे में दे, लेकिन देगा ज़रूर। इनजस्टिस कभी होता ही नहीं है भगवान के पास, वो कभी इनजस्टिस करेगा ही नहीं, हम सब बच्चे हैं यार उसके। माँ बाप अपने बच्चों में फ़र्क करता है? नहीं करता ना। एक बच्चे को अच्छा मिल गया तो दूसरे बच्चे को घटिया नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, बट उसके कल्पना से बिल्कुल अलग, उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग। उसको लग रहा था मैं डॉक्टर बन के ही सब कुछ कर सकता हूँ, बट तुमको नहीं पता कि डॉक्टर बनने के अलावा तुम क्या क्या कर सकते हो। बिल्कुल घबराना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जो तुम्हें डाउट आए मुझे तुम कहीं पर भी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज देना, हालांकि बोलूँगी इंस्टाग्राम मत चलाना, स्टिल तुम्हें कोई डाउट्स आए तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान करता हो तुम्हें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर स्टडी रूटीन्स फॉलो कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा भाषण नहीं दूंगी मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।